वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु पे। जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को रेगुलर इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो हमने सोचा है कि हमने अब सीजीएल प्री के लिए या सीपीओ प्री के लिए 2018 के लिए, ठीक है, सीजीएल 2018 और सीपीओ 2018 प्री के लिए हम आपको कंप्लीट मैटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जीएस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा और रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। हमारा मिशन है सीजीएल 2018 और सीपीओ 2018, मैं आप लोगों को उसमें इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब इंग्लिश में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 45+, ठीक है भाई। हमें ये अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अभी आपने पिछले साल का 2017 की हालत देखी है, बच्चों ने बहुत अच्छा इंग्लिश में स्कोर किया, ठीक है। प्री में भी लोगों ने, मैं आपको बताऊं, 180+ वाले भी प्री में बहुत ज़्यादा बच्चे थे, और वो हम तभी अचीव कर सकते हैं जब इंग्लिश में भी हम पूरा एफिशिएंसी से काम करें और 45+ इंग्लिश में मार्क्स लाएं, ठीक है। हमारा टारगेट है इंग्लिश में 45+। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है। आपको कहीं और कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और अपने नज़दीकी शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ेंगे। डेली मैं आप लोगों को आधे घंटे की 15 मिनट की वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने आप पर मेहनत कीजिए और अपना आपने जो अपना एम बनाया है उसको आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे भाई, एक एक लाइन एक एक वर्ड से हमने समझना है। तो आप स्टार्ट करिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पार्ट वन। जो हमारे वीडियोज ऐसे रहेंगे पार्ट्स में रहेंगे, तो अभी मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन का पार्ट वन हम आज शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको आप लोगों के लिए लिखा शब्द। वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड हिंदी भाषा की तरह हम कह सकते हैं वर्ड क्या है भाई मेरा, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। वर्णों का समूह जो हमें सेंस दे दे, एक मीनिंग दे दे, उसको हम क्या कहते हैं भाई, वर्ड। इंग्लिश को समझने के लिए मेरे अकॉर्डिंग यह लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखो मैं जितनी भी इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इस लाइन से ज़्यादा इंग्लिश मैं आप लोगों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा भाई। इस लाइन में बहुत कुछ है, अगर मैं एक एक चीज़ को इलेबोरेट करके आपको बताऊं, तो देखना आप यहाँ पर जो इस तरह के जो वर्ड हैं इंग्लिश में, इनको हम बोलते हैं भाई आर्टिकल, आर्टिकल और एज अ डिटर्मिनर ये यूज़ होते हैं। इस तरह के जो वर्ड हैं इनको बोलते हैं प्रेपोजिशन, आपको पता है, ठीक है। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया, ये टाइप ऑफ वर्ड है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ये वाला वर्ड, ऐसे वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इनको वर्ब। ये जो दो वर्ड मैंने यूज़ किए हैं इनको बोलते हैं नाउन, ठीक है। और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट मैंने जो वर्ड यूज़ किए हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है भाई, मैं जनरल इन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कंजक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। वोकैब भी हम जो भी नए वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में वर्ड्स आए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपको मैं कंप्रिहेंशन और क्लोज पैसेज की भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश अप टू द लेवल आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं इससे अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है भाई, अगर हमने इस लाइन को समझ लिया तो हम कह सकते हैं हमने इंग्लिश को समझ लिया, ठीक है। तो मैं एक एक चीज करके एक एक वर्ड को बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मेक, इसको मैं कह रहा हूँ वर्ब। अभी तक मैंने वर्ब आपको पढ़ाया नहीं है, मैं वर्ब के बारे में समझाया है, बस मैं आपको कह रहा हूँ आप मानिए ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं भाई, वर्ब कहते हैं। इस वर्ब को मैंने बाहर उठा लिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे मेक। अब मेक वर्ब है, वर्ब ना नाउन की तरह सिंगुलर और प्लूरल होती है भाई, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे वर्ब लिखी है, वर्ब ना अपने नेचर में, अपने घमंड में, या कह लूँ मैं अपने आप में प्लूरल होती है भाई। क्या होती है भाई, प्लूरल होती है। और जब भी मैं वर्ब के साथ कोई छेड़खानी करूँगा, छेड़खानी इन दी सेंस में छेड़खानी को एस या एस बोल रहा हूँ भाई, अगर मैं वर्ब के साथ एस या एस लगा दूंगा तो जो उसका नेचर है वो चेंज हो जाएगा और वो वर्ब क्या बन जाएगी भाई, सिंगुलर बन जाएगी। क्या वर्ब बन जाएगी भाई, वो सिंगुलर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो वर्ब का नेचर है वो प्लूरल होता है,
उसके साथ अगर हम ऐसे ही यस कनेक्ट कर दे तो क्या बन जाता है भाई, सिंगुलर बन जाता है। ऐसे ही ये वर्ब के केस में, मैं ये बात कर रहा हूँ वर्ब के केस की। अगर मैं नाउन के केस की बात करूँ, नाउन के केस में जैसे आपको पता है बॉय, जैसे आपको पता है बॉय, बॉय क्या होता है भाई, नाउन होता है लड़का। मैं बताऊंगा आपको नाउन कैसे होता है, ये भी हम जब नाउन शुरू करेंगे हम बताएंगे कि नाउन कैसे हो गया, ये वर्ब कैसे हो गया। अभी मैं सिर्फ आप लोगों से किसकी बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, और इंट्रोडक्शन के लिए मुझे आप मानिए इसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। ये नाउन है, और नाउन का जो नेचर होता है वो अपने आप में क्या होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और नाउन के साथ मैं कोई छेड़खानी करूँगा, नाउन के साथ मैं सिर्फ छेड़खानी, छेड़खानी इन दी सेंस क्या लगाऊंगा भाई, ऐसिया यस। और नाउन के साथ मैं कोई छेड़खानी करूँगा तो जो नाउन का नेचर चेंज हो जाएगा, और नाउन क्या हो जाएगा भाई, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो वर्ब का नेचर है वो नाउन से क्या होता है भाई, उल्टा होता है। वर्ब के साथ ऐसे लगाने से वर्ब क्या बन जाती है भाई, सिंगुलर बन जाती है, और नाउन के साथ ऐसे लगाने से नाउन क्या हो जाता है भाई, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमने कोई भी लाइन समझनी है तो हमें यह जरूर समझ में आना चाहिए कि वर्ड्स का नेचर कैसा है, वर्ड्स का नेचर कैसा है। अगर वर्ड्स के नेचर को मैं समझ पाऊंगा तो मैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा भाई, ठीक है। आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज होगी तो आपकी इंग्लिश में सेंस बनती जाएगी। और मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, इंग्लिश बिल्कुल भी रट्टा नहीं है भाई, ना इंग्लिश बिल्कुल भी मैथ्स नहीं है, अलजबरा की तरह यहाँ पे बिल्कुल भी रट्टे नहीं लगने हैं, ट्रिग्नोमेट्री की तरह यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले याद नहीं होने हैं। इसको बिल्कुल सेंस से समझना पड़ेगा, आप हर वर्ड की सेंस को समझिए, इंग्लिश अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने इतना बताया, इसके बाद इंग्लिश में एक और चीज़ चलती है। देखिए भाई, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंग्लिश में एक चीज़ और होती है, ठीक है, कि मेरे पास कोई नाउन सिंगुलर दिया है, मेरे पास कोई नाउन दिया है भाई, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इंग्लिश में एक चीज़ चलती है भाई, सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं भाई, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लूरल नाउन के साथ, यानी प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब। बेसिकली कुछ टीचर बता देते हैं कि एस एस पी पी, लोग बच्चे ऐसे ध्यान रखते हैं। आप अपना देखिए भाई कि सिंगुलर कोई चीज़ सिंगुलर है, नेचर में सिंगुलर है, तो उसका जो भी जोड़ूंगा वो भी क्या होना चाहिए भाई, सिंगुलर होना चाहिए। कोई चीज़ प्लूरल है, उसका नेचर प्लूरल है, उसके साथ जो भी चीज़ आएगी वो भी क्या आएगी भाई, प्लूरल। तो इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी आपको बात समझाई है उसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए वो एग्जांपल यहाँ से साफ कर रहा हूँ मैं, देखिए मैंने बोला राम प्ले, और मैंने बोला राम प्लेज, ठीक है भाई। अब राम प्ले और राम प्लेज, मैंने दो चीज लिखी भाई। यहां पे देखिए जो राम है, एक आदमी की बात कर रहे हैं भाई, तो ये क्या है भाई, मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन एक आदमी, ठीक है। अब राम सिंगुलर है, अब उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी भाई, सिंगुलर होगी। अब राम सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर कब होती है भाई, जब उसके साथ क्या जाता है भाई, ऐसा जाता है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस लिखे थे, इसमें ये मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग, और ये मेरा क्या हो जाएगा भाई सही, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ मैं सिंगुलर वर्ब यूज करता हूँ, और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसका क्या आ जाता है भाई, ऐसा जाता है। तो ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट इसलिए उठाया था कि आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से समझिए, ये सेंटेंस का एक पार्ट है, ठीक है। इसको आप समझेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के कम्बिनेशन को आप लोग समझोगे, तभी आप सीख सकते हैं कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, और इंग्लिश आपको समझ में कैसे आएगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सेंटेंस को बढ़ाता हूँ। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैं ये लिख दूँ आप लोगों के लिए, ऐसे बेसिक बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया राम एंड श्याम प्ले, और मैं बोल दूँ राम एंड श्याम प्लेस। अभी देखिए भाई, अभी यहाँ पे आदमी कितने हैं भाई, एक राम है और एक क्या है भाई, श्याम, दोनों खेल रहे हैं भाई। जब दो लोग हो जाते हैं तो सिचुएशन क्या हो जाती है भाई, प्लूरल। अब प्लूरल होगी तो शायद मैं वर्ब भी क्या यूज़ करूँगा भाई, प्लूरल वर्ब यूज़ करूँगा, और वर्ब प्लूरल कब होती है भाई, अपने आप में। तो यहाँ पे मेरा ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा भाई, गलत, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो नाउन का नेचर वो प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लेस लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा नेचर है वो क्या है भाई, वो प्लूरल है, और वर्ब मैंने क्या यूज़ कर रखी है, सिंगुलर। तो मैं कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर का सिंगुलर यूज़ करूँगा, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ करूँगा, ठीक है भाई बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप लोग, मैं इस लाइन को समझ रहा था, लाइन में मैंने एक वर्ड को समझ लिया, किसको भाई, वर्ब को।
अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. मैंने जो ये यहाँ पे वर्ब यूज़ किया, अभी आप लोगों ने बोला जो वर्ब का नेचर होता है वो क्या होता है भाई, अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है. तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है मेरी कौन सी वर्ब है भाई, प्लूरल वर्ब है. और मेरे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक कलेक्शन और एक लेटर. अब मैंने जो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया मैंने किसके लिए यूज़ किया, ये भी डिपेंड करता है भाई कि मैंने कलेक्शन के लिए यूज़ किया या लेटर्स के लिए यूज़ किया. ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया है कि वर्ब प्लूरल है. अब प्लूरल वर्ब किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगी भाई. अब मेरे पास दो नाउन है, कलेक्शन और लेटर. अब मैंने प्लूरल वर्ब को किसके लिए यूज़ किया है, वो भाई लेटर के लिए यूज़ किया हुआ है. लेकिन सेंटेंस में मैं एम्फेसाइज किस वर्ड पे कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, कलेक्शन की. यानी ये जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरा क्या है भाई, मेन वर्ड है. और मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, जब भी हमने सेंटेंस में किसी वर्ब को यूज़ करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे. सेंटेंस में जब भी हमने यूज़ करना है तो मैंने मेन वर्ड के अकॉर्डिंग, मेन वर्ड के अकॉर्डिंग किसका यूज़ करना होता है भाई, वर्ब का यूज़ करना होता है. अब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है. मैं कह रहा हूँ कि जो ये मेक वर्ब है ये लेटर्स के लिए आया है, लेकिन लेटर्स यहाँ पे मेन वर्ड नहीं है. मेन वर्ड मेरा क्या है भाई, कलेक्शन है. मेन वर्ड मेरा क्या है भाई, कलेक्शन. क्योंकि मैं सेंटेंस में एम्फेसाइज में जोर किस पे डाल रहा हूँ भाई, कलेक्शन के ऊपर. अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है भाई, तो कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जब मैं इसको मेन वर्ड कह रहा हूँ तो मैं लेटर्स के लिए वर्ब का यूज़ क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, ये जो सारा काम हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है, रिलेटिव प्रोनाउन. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं भाई, इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं. ये कहते हैं जब भी आप हमारा सेंटेंस में यूज़ करोगे तो हमें एक स्पेशलिटी देनी पड़ेगी. और वो स्पेशलिटी क्या होती है, ये कहते हैं जब भी आप हमारे पास वर्ब का यूज़ करोगे तो ये हमसे पहले वाले वर्ड के लिए होनी चाहिए. जब भी हमारे पास आप कोई वर्ब यूज़ करोगे वो किसके लिए, हमसे पहले वाले वर्ड के लिए. ये लेटर्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेक. रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो प्रोनाउन के अंदर आएगा वहाँ पे आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, दूसरी बात सुनिए कि मैं इसको मेन वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, फिर ये मेन वर्ड क्यों नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है. ये जो काम है ये सारा काम इस वर्ड का है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन. और जो प्रेपोजिशन सेंटेंस में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरने के काम नहीं आता भाई, इसका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है. जो प्रेपोजिशन सब्जेक्ट में, प्रेपोजिशन सब्जेक्ट में मेन वर्ड फाइंड करता है भाई. ठीक है, प्रेपोजिशन सब्जेक्ट में क्या करता है भाई, मेन वर्ड फाइंड करता है. कैसे, अगर हम सेंस से देखें तो हमें पता लगेगा हम अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि यार साइंस नहीं काम कर रही है, साइंस नहीं काम कर रही है, तो हम प्रेपोजिशन से भी कर सकते हैं. जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद यहां पे लिख सकते हैं हम, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी मेन वर्ड नहीं आता. बेसिकली हम कह सकते हैं वी डोंट टेक मेन वर्ड आफ्टर प्रेपोजिशन. ठीक है भाई बात, यानी मैं कह सकता हूं कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी मेन वर्ड नहीं आएगा, तो मेरा मेन वर्ड क्या रहेगा, कलेक्शन. ठीक है, अभी जल्दी जल्दी इसमें एक सेंटेंस और डिस्कस करना आप लोगों के साथ, ये बात आपको समझाने के लिए कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है. देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार पेपर में आया था, उसने कहा था कि दी वॉल्स ऑफ दिस रूम इज वाइट. देखना भाई, अब यहां पे मैंने ये वर्ब यूज किया, ये पूरा सब्जेक्ट है भाई मेरा. अब सब्जेक्ट में मैंने ना, यहां पर अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, रूम, ये मेरा सिंगुलर वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो वर्ब सही मैंने यूज किया है. लेकिन वर्ब को मैंने इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं करना, मुझे किसके अकॉर्डिंग यूज करना भाई, मेन वर्ड के अकॉर्डिंग. और मेरा मेन वर्ड क्या है अभी सेंटेंस में, दी वॉल्स ऑफ दिस रूम, कि इस रूम की दीवारें सफेद है. मैं रूम की बात कर रहा हूं या भाई दीवारों की, मैं बोल रहा हूं इस रूम की दीवारें सफेद हैं. यानी मेरा जो मेन वर्ड है वो मेरा क्या है भाई, वॉल्स है, ये मेरा मेन वर्ड है. और वैसे भी देख लो, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी मेन वर्ड नहीं आता. वॉल्स मेरा मेन वर्ड होगा, और जो मैंने वर्ब यूज करने किसके अकॉर्डिंग यूज करने है, वॉल्स के अकॉर्डिंग. और वॉल्स मेरा क्या है, प्लूरल है, तो वो भी मेरा क्या होगा भाई, प्लूरल. प्लूरल इंग्लिश में इजी होता, क्या होता है प्लूरल इंग्लिश में भाई, आर होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर. ठीक है, तो मैं यही पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ. ठीक है, आप लोगों को पिछले जो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा भाई, काफी कंप्लेन आ रही थी कि क्लैरिटी सही नहीं है, या मतलब एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहे हैं. तो अभी हमने थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की है,
तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मतलब चेक करके ये बताएंगे कि क्लैरिटी सही आ रही है नहीं आ रही है, अगर हमें और यहाँ में फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। आप लोग वो अच्छा लगे तो आप अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।